ईटानगरी में लगाई गई एयर प्योरीफायर मशीन खास इटली से मंगाई गई है। ये मशीन वातावरण की हवा को साफ करने के साथ ही ईटानगरी में होने वाले वायु प्रदूषण के कारकों का सैंपल भी कलेक्ट कर रही है। ताजमहल के आसपास वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगवाई गई एयर प्योरीफायर मशीन इटली से मंगवाई गई है। इस मशीन के दोनों ओर एक ऐसा पेपर लगा है जो वायुमंडल में वायु प्रदूषण फैलाने वाले कारकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह पेपर वायुमंडल में हानिकारक तत्वों को अपने अंदर सोख लेता है और मशीन के अंदर लगे पंखे शुद्ध हवा को बाहर फेंक देते हैं। इस मशीन में लगाए गए फिल्टर पेपर हर दिन बदले जाते हैं। सुबह जब इन पेपर्स को मशीन में लगाया जाता है तो वह सफेद रंग के होते हैं और कुछ घंटे बाद ही प्रदूषण तत्वों को सोते हुए व काले पड़ जाते हैं। तो सर हम ये काम कर रहे हैं, हमारे जो ये व्हाइट शीट लगा है ये इटली से आया हुआ है और ये दोनों गाड़ी के साइड लगा है, राइट लेफ्ट दोनों के साइड लगा हुआ है और ये पोल्यूशन को, प्रदूषण को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, खींच रहा है। और इसके अंदर सर 7 फैन दिए गए हैं जो उसे प्योरीफाई कर रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं ताज़ी हवा में और उसे एग्जिट कर रहे हैं बाहर की तरफ, ताज़ी हवा निकाल रहे हैं। तो सर ये पोल्यूशन को अपना अट्रैक्ट करता है और एक दिन में 15 लाख के समथिंग ये इसकी जो डार्कनेस होती है वो अपनी तरफ खींच लेता है और ये पर्दा बहुत ही वाइट था जो अब धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है। और इसका जितना भी रिजल्ट होता है सर हमारे LCD पे शो हो रहा है पर डे के हिसाब से कि पोल्यूशन कितना कम हो रहा है। पोल्यूशन के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, कितना होगा? सर पोल्यूशन के बारे में हमारे LCD पे है, जैसे कि दिवाली के टाइम 400 के समथिंग था और अब 266 है। और सर इससे लग ये पर्दा फिर बैक इटली ही जाएगा और वहाँ जाके चेक होगा कि आगरा में कितना पोल्यूशन हो रहा है। प्योरीफायर मशीन में लगे पेपर फिल्टर को हर दिन के हिसाब से रखा जा रहा है जिन्हें शोध के लिए इटली भेजा जाएगा। इटली में जिन पेपर फिल्टर पर शोध किया जाएगा इससे यह पता चलेगा कि ताजनगरी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण फैलाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। सी न्यूज के लिए देवेश शुक्ला की रिपोर्ट।